मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, लेकर हाजिर है प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन। जी हाँ, प्रोग्राम है मेरा प्यारा दिन और मेरा प्यारा दिन में होते हैं डिफरेंट और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। हम अपने इस प्रोग्राम में एक प्यारी सी हदीस पाक शामिल करते हैं। हमारा सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस, जिसमें हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को याद करते हैं। कलाम भी हमारा एक सेगमेंट होता है। आज इंशाअल्लाह मिसवान भाई से कलाम सुनेंगे। और इस्लामिक हिस्ट्री हमारा एक सेगमेंट होता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है। इसके साथ साथ करामात सहाबा, इस्लाम और साइंस, जिसमें हम साइंसी रिसर्च भी शामिल करते हैं। उसके अलावा दीन की प्यारी बातें और प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, ये हमारे सेगमेंट होते हैं। इंशाअल्लाह आज भी इन सेगमेंट्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आइए शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में आज का सवाल। आज का सवाल है, बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? यहाँ पर किस किस को मालूम है? जी एक हाथ खड़ा हुआ है बगदाद भाई का। जी बगदाद भाई, एक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज अदा फरमाया। बगदाद भाई ने जवाब दिया है और बगदाद भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो बाकी बच्चों को भी मालूम हो गया। जी अब्दुल राफे भाई, एक दफ़ा। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज अदा फरमाया। आइए बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में सेगमेंट कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम और कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसवान भाई। जी मिसवान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। जी तो आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। सुभान अल्लाह, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। जी, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए। क्यों कहे ये आता वो हमको इल्म है, हमको क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पे करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। आस्ताने हबीब में खुदा चाहिए, आस्ताने हबीब में खुदा क्या हमको इसके सेवा चाहिए, और क्या हमको इसके सेवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। आप अपनी गुलामी की दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे सनद। बस यही ज़तो मर्तबा चाहिए, बस यही ज़तो मर्तबा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हमने कलाम सुना और प्रोग्राम है हमारा मेरा प्यारा दीन। जी, मेरा प्यारा दीन में हमारे साथ है मिसवान भाई, उसके बाद है अफान भाई और उनके बाद है हमारे अब्दुर्राफे भाई। अब्दुर्राफे भाई ज़ोर से बताएं। अब्दुर्राफे भाई वो हैं अब्दुर्राफे भाई, माशाअल्लाह। ठीक है जी, और हमारे साथ नया चेहरा नज़र आ रहा है, आपका नाम? अब्दुर्रहमान। और ज़ोर से अब्दुर्रहमान। और जोर से अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान या अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान। हाँ, ये अब्दुर्रहमान, कहीं अब्दुल्ला होता है कहीं अब्दुर्रहमान होता है, इसका पूरा एक उसूल है। खैर माशाल्लाह, अब्दुर्रहमान भाई पहली दफ़ा आए हमारे प्रोग्राम में। पहले आए कितने साल पहले? लास्ट कब आए थे? नहीं याद। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? मेरा प्यारा दीन। इसमें क्या होता है? मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम देखा है कभी? मदनी चैनल पे देखा है? देखा है? नहीं देखा। सही सही बताना है। देखे देखा है? अच्छा, इसके अलावा और कौन से प्रोग्राम देखे? कितने प्रोग्राम आते हैं मदनी चैनल पे, किड्स मदनी चैनल पे? चले भाई, कौन बताएगा? कितनों के नाम बताएंगे? बगदाद भाई फ़ौरन तैयार। चले भाई, जल्दी से बताएं, एक सांस में बताएं कितने नाम बताते हैं, देखता हूँ। मेरा प्यारा दिन इस्लाम बाग के बच्चों की शाम क्लासरूम। सांस टूट गई, दो बजे टूट गई जी। बच्चे और कुरान इतना सोचना पड़ रहा है। आप माइक सीखे कुरान और सुनो कहानी और यादे मदीना और जल्दी। आपका फेवरेट कौन सा है इसमें? मेरा प्यारा दिन। बस ये चूंकि इस प्रोग्राम में बैठे हुए तो मेरा प्यारा दिन, इसलिए चले हो सकता है वैसे ही फेवरेट हो। बच्चों की शाम पसंद है। बच्चों की शाम पसंद है। अच्छा मुझे मेरा प्यारा दिन लगता है, फिर बच्चों की। अच्छा इसलिए कि उसमें आप खुद आ रहे होते हैं, ये वजह है, इसलिए अच्छा लगता है। और फिर बच्चों की शाम अच्छा लग रहा होता है। बहरहाल अपनी अपनी पसंद होती है। मैं कैसे ही बात कर रहा हूँ कि आप इसमें तो अच्छा लगता है। जब मेरा प्यारा दिन नहीं आता जब ये मेरा प्यारा दिन में नहीं आते थे तो इन्हें बच्चों की शाम ही अच्छा लगता था। तो ये प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो बात करने का मकसद ये था इन प्रोग्राम्स को आपने देखना है। या हो सकता कोई एक ही प्रोग्राम देखता बस मेरा प्यारा दिन, उसके बाद भाई उड़ गए, तो भाई ऐसा नहीं है। और भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। देखिए हमारे बगदाद भाई को ये अब मेरा प्यारा दिन इसलिए अच्छा लगने लगा शायद अब ये खुद इसमें आने लगे, वरना इससे पहले इन्हें सिर्फ बच्चों की शाम ही अच्छा लगता था। तो आपने भी बच्चों की शाम देखना है। अफान भाई ज़रा दावत दे दें, बच्चों को बोल दें उधर स्क्रीन पे माइक में। आपका कौन सा फेवरेट प्रोग्राम? सही सही बताना बिल्कुल। हाँ सबको बोल दें आप बच्चों की शाम प्रोग्राम देखा करें। आप बच्चों की शाम प्रोग्राम देखा करें। कब आता है ये, कैसे देखें? शाम को आता है। किस दिन आता है? रोजाना आता है। हाँ। चले भाई रोजाना आता है ये बच्चों की शाम, हालांकि हफ्ते को नहीं आता ना, पीर से जुम्मा आता है। बता दें सबको, पीर से जुम्मा। और शाम में किस टाइम? आप बगदाद भाई बता रहे हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे, 5 वो 6 बजे टाइम। असल में इसका चेंज होता रहता है वैसे जो है ना, आसिर के बाद होता है क्योंकि नॉर्मली तो टाइम इसके चेंज होते रहते हैं। अभी तो ये 5:10 पे तकरीबन शुरू हो जाता है। खैर बस किड्स मदनी चैनल देखते रहे, किड्स मदनी चैनल देखते रहे और मदनी चैनल भी देखते रहे कि उस पे आते हमारे प्यारे प्यारे अमीरे आले सुन्नत और भी अच्छे अच्छे मुबल्लिगीन आते हैं, निगरानी शुरा भी होते हैं। तो इन सबको हमने देखना है इंशाल्लाह। बच्चों और बड़ों को बहुत सा इल्म दीन का खजाना हासिल होगा कि हमारा दीन क्या है, हमारा दीन क्या है। इस्लाम को हमने सीखना है और उस पर अमल करना है कि इस पर अमल करते हुए चलते हुए हम कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाना है। तो इस्लाम को सीखना है और उस पर अमल करना है, इसीलिए आता है ये भी प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। और इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं। सेगमेंट हुआ करता है एक, मेरा सेगमेंट होता है हमारा एक प्यारी हदीस। अभी उधर जाना है ना हमने सफील्ला भाई, तो आइए चलते सेगमेंट की तरफ। एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन जी। हदीस पाक हमने याद करनी है, जो जल्दी से याद करेंगे वो ज़हीन बच्चे बन जाएंगे। अब्दुलरहमान भाई आ जाए ना, बड़े दिनों बाद आए शायद, तो हदीस पाक जल्दी से याद कर लें, आज के ज़हीन बच्चे आप हो जाएंगे। और जो घरों पर मौजूद हैं आपने हदीस पाक को लिखना है अच्छा, बड़ा और सही, और फिर हमें सेंड कर देना है। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आइए स्क्रीन पर देखते हैं आज की हदीस पाक। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी, यानी मैंने अपने रब को देखा है, यानी अल्लाह पाक को देखा है। दो अल्फाज हैं तकरीबन, जल्दी से याद कर लेते हैं। रअयतु रब्बी। याद हो गया? जल्दी से अफान भाई से शुरू करते हैं, सही सुनाना है दोबारा से। हाँ और तर्जुमा नहीं याद किया, चले भाई आगे। अब्दुर्राफे भाई रअयतु रब्बी, ये हमजा कॉइन से क्यों बदल दिया भाई आपने? रअयतु होगा ना, रअयतु। हाँ रब्बी, हाँ जबरदस्त जी। अब्दुर्रहमान भाई रअयतु रब्बी, जबरदस्त जी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी। आइए तर्जुमा याद करते हैं। मैंने अपने रब को देखा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने रब को देखा है। क्या बात है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जब आप मेराज के लिए तशरीफ लेकर गए तो आपने अपनी आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आपने अपनी आंखों से अपने रब का दीदार किया जागते में। ये ख़ास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ासा है कि किसी और ने भी अपनी आँखों से जागते हुए अल्लाह पाक का दीदार नहीं किया। हाँ, इंशाअल्लाह क़यामत में करेंगे, जन्नत में करेंगे। अभी तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ अपने रब का इस तरह दीदार किया है। चले भाई तर्जुमा अब्दुलरहमान भाई सुनाए जल्दी से, हाथ उठ गया। अपने रब को देखा है। अरबी सुनाए। उर्दू। मैंने अपने रब को देखा। मैंने अपने रब यानी अल्लाह पाक को देखा है। अफान भाई। मैंने अपने रब को देखा है। क्या हो गया भाई? दोबारा। मैंने अपने रब को देखा है। पहले क्या हुआ था? चेंज कर लिया था जज्बात में, आज याद हो गया ना जी। अब्दुल राफे भाई अब तो टेंशन का है कि ये इतना आसान तो है। सुनाए जी अरबी। हाँ अब्दुल राफे, अब उसमें भी आपको हेल्प लेनी है जोर से। राई तो रब्बी। हाँ तर्जमा। मैंने अपने रब को देखा है जी। बगदाद भाई क्या सुनाएंगे? राई तो रब्बी। मैंने हमारे प्यारा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने रब यानी अल्लाह पाक को देखा। और आज के ज़हीन बच्चे बन चुके हैं हमारे अब्दुल रहमान भाई। पिछले बार इन्होंने फौरन हाथ उठाया था और अरबी भी सुनाई थी और तर्जमा भी बिल्कुल सही सुना दिया था। और वो बड़े दिनों बाद आए हैं तो उनको प्रायोरिटी भी मिलती है, तो इसलिए आज के ज़हीन बच्चे बन गए हमारे अब्दुल रहमान। माशाल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और अब सफ़ीउल्लाह भाई कहाँ जाएंगे हम? पिक्चर्स की तरफ। चले भाई पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। अल्लाह, ये इतना छोटा छोटा क्यों लिख दिया? नूर फातिमा बाजी बसीरपुर से, आप तो बहुत ही अच्छे अंदाज से लिखती हैं। हदीस पाक है लिखी है आपने, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक उस पर रहम नहीं करता। और ये छोटा छोटा और भी कुछ है। अच्छा, कुछ गुजारिश लिखी है इन्होंने। अब ये बड़ी तफसीली गुजारिश है। अब ये जो है ना आपने बड़ी बड़ी लिख कर भेजना है अगले दफ़ा, ठीक है जी। अभी तो इसको पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। चले भाई, और माशाल्लाह अच्छी कोशिश आप करती हैं, अल्लाह पाक माशाल्लाह। चले भाई, इन्होंने लिखा बसीरपुर में जो है वो जामियतुल मदीना नहीं है, बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो निगरानी शूरा तक पैगाम पहुंचा देंगे, वहाँ पर जामियतुल मदीना खुल जाए। सुभान अल्लाह, आपकी जो तमन्ना और तलब है उस पर हमें कहना चाहिए ना। हाँ, ये क्या चाहती है कि वहाँ पर क्या खुल जाए? जामियतुल मदीना। और उसमें क्या होता है? उसमें पढ़कर क्या बनते हैं? आलिम बनते हैं या आलिमा बनती हैं। तो आलिमा बनने के लिए वहाँ पर जामियतुल मदीना नहीं है। अब ये चाहती है कि वहाँ पर जामियतुल मदीना खुल जाए। अल्लाह पाक आपको आलिमा बनाए, हाफिज़ा बनाए और मुफ्तिया बनाए, और जन्नत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस भी अता फरमाए। सबकी ये ख्वाहिश है। तो आपकी तमन्ना देके मदनी चैनल के ज़रिए हो सकता है पहुँच गई हो। अल्लाह पाक जो है वो आपकी इस तलब को, इस ख्वाहिश को पूरा फरमाए। नेक्स्ट जी क्या लिखा है? खैरुल हुदा हुदा मोहम्मद। बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रास्ता है। मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारे लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह जी। और क्या लिखा है इन्होंने भाई? है कौन? नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। समरा बिनते हक नवाज। और ऊपर क्या लिखा है? सबसे ऊपर शेर है कोई जगह वगैरह लिखी है शायद। चले भाई, अगली दफ़ा और अच्छा लिखकर आपने भेजना है। सूरज बड़ा अच्छा आपका चमक रहा है और ये पहाड़ियाँ आड़ी हो गई हैं या क्या हुआ ये? खैर चले, आपने कोशिश की, अच्छी बात है। दोबारा आपने भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट माशाल्लाह। और इन्होंने क्या लिखा है? अना रहमतुम मुहदातुन। मैं रहमत हूँ, रब का हदिया हूँ। किन्ज़ा तारिया चकवाल। तो ये हमने याद कराई हदीस पाक। चले भाई, एपिसोड नंबर 224 इन्होंने लिखा है। हो सकता हूँ हमारा ना रिकॉर्डेड भी तो होता है ना इतवार के दिन। चले माशाल्लाह जी। चले भाई, कंप्लीट हो गई। और सफ़ीउल्लाह भाई देख ले, बच्चे हों, बच्चों का खास तौर पर प्रोग्राम में बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों ने एक भी नहीं लिख कर भेजी, सिर्फ बच्चियां लिख कर भेजती हैं। ठीक है जी माशाल्लाह। तो बच्चों को भी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम का सब ने और हदीस पाक लिखकर भेजा करें, और जो लिखकर भेजते फिर उसके बाद इन्हें संभाल के भी रखा करें। ऐसा नहीं अभी तो आपने लिखा तस्वीर के जी भेज दी, अब यहाँ चल गई, उसके बाद वो फिर वो अल्फाज या वो जो है वो सफ़ात इधर उधर हो रहे हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक्चर ऑफ द डे दिखाते हैं आज की जी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा इसका हमें बताया था ये आबशार है, आबशार आ रही है पहाड़ों में से निकल कर। चले भाई मान लेते, ठीक, क्या बात है। और बच्चों का अंदाज़ है, बच्चों का पेड़ है, आप अपने अंदाज से जो आपको कलरफुल लगे। तो देखें ना आपका सेट भी हम इतने सारे कलर वाला बनाते हैं और खूब, तो वजह यही है कि ताकि बच्चों की दिलचस्पी रहे। और इसके साथ चलेंगे अब हम, कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें या कॉल्स लेंगे? आपने सवाल भी दिया था जी, कॉल्स आई भी आपके पास करेंगे, कॉल्स चलें भाई सफ़ील्ला भाई, कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम है, मैं शाहपुर जानिया से कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि एक बार जवाब खैरा, आमीन। माशाल्लाह, शाह जमान अतारी ने कॉल करके सवाल का जवाब दिया और आपके सवाल का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बिलाल है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। उन्होंने एक बार हज फरमाया था, ये ना जो हमने सवाल किया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दफ़ा हज अदा फरमाया, तो उसका जवाब है एक बार, और इन्होंने जवाब दिया। आपके सवाल का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपके सवाल का जवाब दुरुस्त है, आपका जवाब दुरुस्त है। यह जो आपने सवाल किया था उनका जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है। आप सफ़ीउल्लाह भाई से हम पूछते हैं वो कौन सा सेगमेंट लाए हमारे लिए? करामाते सहाबा। चलें जी, करामाते सहाबा की तरफ चलते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है करामाते सहाबा, और हम अपने सेगमेंट में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की करामात सुनते हैं। तो आइए आज के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन प्यारे सहाबी की करामत सुनेंगे उनका नाम है हज़रत अला बिन हद्रमी रज़ियल्लाहु अन्हु। किन की सुनेंगे? हज़रत अला। मेरे साथ दोहराइए, हज़रत अला, हज़रत अला बिन हद्रमी। बाद है यहाँ पे हद्रमी में, हज़रत अला बिन हद्रमी, हज़रत अला बिन हद्रमी रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत सुनेंगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का असली नाम अब्दुल्ला है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के शुरू ही में मुसलमान हो गए थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहरीन का गवर्नर बनाया था। कहाँ का? बहरीन का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहरीन का गवर्नर बनाया था, और आप इस्लाम के शुरू ही में मुसलमान हो गए थे। और आपका असली नाम क्या था? अब्दुल्ला। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक मरतबा, तो आइए अब इनकी करामत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक मरतबा हज़रत अला बिन हद्रमी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ग्रुप के साथ एक मैदान में थे, और उस मैदान में पानी का नामो निशान तक नहीं था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ग्रुप के साथ एक मैदान में थे और वहाँ पे पानी का नामो निशान भी नहीं था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो लोग थे वो प्यास की वजह से परेशान हो रहे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ग्रुप के मेंबर्स का ये हाल देखा, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़कर दुआ मांगी। जब वहाँ पे पानी नहीं था, आपके ग्रुप मेंबर्स बड़े परेशान थे प्यास की वजह से, तो फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? जी हाँ, नमाज पढ़कर दुआ मांगी। फिर प्यारे बच्चों, लोगों ने देखा कि अचानक से करीब ही सूखी हुई रेत पर पानी चमकते हुए नजर आया। और प्यारे बच्चों, किताबों में ये भी मौजूद है कि दुआ के बाद अचानक एक बादल नजर आया, और उस बादल से ऐसी ज़बरदस्त बारिश हुई कि सारे लोग और जानवर पानी से सैराब हो गए, और लोगों ने बारिश के पानी से अपने बर्तनों को भर लिया। सुभान अल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, मुआविया भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या हुआ भाई, सुस्ती आना शुरू हो गई क्या? और ये नारे कैसे लग रहे थे, सबके अपने अपने अंदाज में। देख रहा था कोई यूं यूं ऐसे ऐसे चला रहा है, क्या था ये? हैं भैया फान भाई, कैसे नारा लगाते, ज़रा लगा के दिखाएं सही से, नारा पता चले, लगाएं। सरकार की आमद, ठीक है, ये नारा भी अभी इन्होंने जो लगाया वो लगाया। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, माइक कहाँ है? माइक ही नहीं है। ये नबी, ये इधर क्या किसी को पत्थर मार रहे हैं आप ऐसे यूं हैं? हाथ जो है वो ऐसे, इससे असल में एक पावर वो बनता है ना, एक मोशन बनता है। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, हाँ, किसी को मुक्का थोड़ी बांधना यूं करके ना, पत्थर मारना है। ठीक है, अच्छे अंदाज से जब आप तवज्जो से करेंगे तो सही होगा, वरना बस वो ठीक है। अब सफिल्ला भाई ने नारे शुरू कर दिए तो कुछ करना ही है, तो वो एक अलग बात होगी। ठीक है भाई अब्दुर्राफ़े भाई, आपका भी नारे लगाने आते आते नहीं आते? क्यों, ये लगाए ना, हर सहाबी नबी, इतना बोलने में क्या है? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, करे जोर से, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हाथ तो चला ही नहीं आपका, दोबारा से, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाल्लाह, बगदाद भाई तैयार है, लेकिन बगदाद भाई का हमें पता है उनकी तरफ जाएंगे, उन्होंने नारे लगा लेने। चले भाई, आप ऐसा करते हैं, हम दोबारा से अपने मिसवान भाई के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, कोई कलाम हमें और भी सुनाएंगे आप, अपना फेवरेट। आपको कौन सा फेवरेट कलाम? मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। अच्छा भाई अफान भाई, आपका कौन सा फेवरेट कलाम? जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हाँ, माइक दे दें आप इस। अच्छा भाई अब्दुर्राफ़े भाई, आपका कौन सा है कोई कलाम? सारे ही पसंद है, मतलब नाते तो सुनते ही हैं, वो अलग होता है ना, बच्चों का होता है, बच्चों का अपना अंदाज होता है जवाब देने का। सारी सुन लेते ना, नूर वाला है सुनते, वो सारी सुन लेते हैं असल में। चले भाई अब्दुर्रहमान भाई, मेरी उल्फत। आपका? मेरी उल्फत। चले भाई, मेरी उल्फत में सफ़ील्ला भाई, सच्ची बात सिखाते हैं भाई। इतनी सारी फरमाइशें हो गई, इसमें से आप कौन सा सुनाएंगे? उन्हें वो भी पसंद है। अब इसमें से कौन सा सुना सकते हैं आप, ये बताएं, या वही सुनाएंगे जो आपका तय है? वही सुनाएंगे, वही सुना देते। चले वो सुना दे। मदीने से बुलावा मदीने पहले जा रहा है, कहेंगे वो मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे वो मुस्तफा कदमों सुब्हानअल्लाह। माशाअल्लाह मिसवान भाई ने एक और मरतबा बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। मदीने से बुलावा आ रहा है, मुझसे पहले मेरा दिल जा रहा है। काश मदीने से बुलावा आए, और जब वहाँ से बुलावा आता है तो फिर खुद ही इंतज़ाम हो जाते हैं। बस हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तड़प। हमने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जी, जब ये सच्ची तड़प होगी, दिल से आवाज़ निकलेगी तो इंशाअल्लाह ये वहाँ पहुँचेगी और आका हमें बुला लेंगे। तो हमारी तड़प होती है, बात तो ये है। तो बच्चों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए और बड़ों के लिए भी चीज़ मौजूद है। अल्लाह पाक हमें बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। और इसके लिए अपना शौक़ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नाते सुने। क्या करें? नाते। जी, जितनी ज़्यादा नाते सुनेंगे उतना ज़्यादा शौक़ हमारा बढ़ेगा। ठीक है जी। अभी क्या करना है हमने सफ़ील्ला भाई? नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े। अभी कौन बताएगा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? इस्लामिक हिस्ट्री। जी, अभी इस्लामिक हिस्ट्री में ज़रा इम्तिहान भी लेता हूँ आज, तो ज़रा हमारे पास टाइम है ना, पता करता हूँ क्या चल रहा है इतने दिन से, क्या क्या हम सुन रहे हैं। जी, चलते हैं सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री, और इस्लामिक हिस्ट्री में हम सुन रहे थे मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिस्ट्री। आपके बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, और बहुत सारी सुन के कुछ हो सकता है जहन में भी रखी हो, कुछ हमने ऊपर से हाँ, एक कान से सुन के दूसरे कान से, तो ये करना अच्छी बात तो नहीं है। एक कान से रखे और फिर उधर दिमाग में सेव कर ले, ये इधर से आए और दिमाग में सेव हो जाए, तब फ़ायदा होगा ना। ठीक है भाई, अफान भाई के पास चलते हैं, पूछते क्या क्या सुन लिया आपने, कुछ बताएंगे हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में? मुस्कुरा के दिखाएंगे। अच्छा चले, आज ही का पूछ लें आपसे। हदीस पाक क्या याद की थी? याद है आई तू जोर से आई तू रब्बी, दोबारा जोर से आई तू रब्बी। क्या पढ़ रहे हैं भाई ये सफ़ील्ला भाई? आई तू रब्बी। देख लें आप इनका सही करा रहे हैं, वो शायद कुछ और पढ़ रहे हैं। दोबारा आई तू रब्बी। क्या कह रहे हैं? राई तू वाई तू कह रहे हैं, आई तू रब्बी। क्या है? आई तू रब्बी। अभी का भी भूल रहे हैं। तर्जमा भी गया अब्दुल राफे भाई? आपसे पूछा था, अभी तो नहीं पूछा हमने। चले भाई, मैंने अपने रब को देखा है। अच्छा भाई, और ये कौन बताएगा? आपने अभी कौन से साहबी की करामत बताई करामत साहबा में? उनका नाम देख लेगा सफ़ीउल्लाह भाई, सही बता रहे नहीं? अब्दुलरहमान भाई आला बिन उधर बता रहे, क्या बता रहे? माइक में बताएं, माइक में पहला हर्फ बताएं भाई। हाँ। हज़रत अला बिन, दूसरा बताना। दूसरा बता दे। दौद। तीसरा बता दे। ऐसे सारे पूछ लेंगे। ऐसे तो सारे पूछ लेंगे आप। तीसरा लास्ट है। जी अब्दुल रहमान भाई आप बता रहे हैं? हज़रत अला बिन हदरमी, यही नाम है, हज़रत अला बिन हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी करामत सुनी, क्या करामत सुनी थी अब्दुर्राफ़े भाई? आप ही का नाम है ना अब्दुर्राफ़े, गलत ले लिया मैंने, सही है। क्या था, क्या सुना था? इसी पता जी अब्दुर्रहमान भाई, क्या हुआ था उसमें? क्या वाह भाई वाह, देखें हम पूरा प्रेम में इतनी सारी बातें हमने कि अब प्रेम के एंड में पूछ रहे क्या सुना सब जी। चले आखिर में बगदाद शरीफ चलते हैं कि आपने जो है दुआ दुआ मांगी, नमाज पढ़ के दुआ मांगी थी तो जो है दूर से पानी चमक उठा था और बादल आ गए जिसकी वजह से बारिश हुई। जी भाई सही सुना रहे हैं, यही हुआ था। थोड़ा सही सुना रहे हैं, चले कुछ कुछ तो सुना रहे हैं ना। बाकी तो अगर घर पे किसी ने पूछ लिया, हाँ भाई कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कौन से प्रोग्राम में, मेरा प्यारा दीन, क्या सीखा? माइक में बताए ना, क्या सीखा? भूल गए, ये बताएंगे भाई क्या सीखा, भूल गए। हदीस तो वो सुनी थी, उसमें भी गलती हो गई थी, तो ये तो फिर मज़ेदारी नहीं है ना। ऐसे तो फिर आप जो है वो कहीं भी जाएं, कुछ भी पढ़ें और घर आएँ, क्या हुआ तो भूल गए, बराबर हो गया सब कुछ, तो फिर मज़ा नहीं आता। याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, आपसे शैतान भी डरता था, आपका रोब सत्य था, आप झूठ पकड़ लिया करते थे, आपके सामने झूठ नहीं चला करता था, जैसा आप कहते थे वैसा हो जाया करता था। इतनी आपकी अजीम शान है। और आज हम ये सुनेंगे कि आप तो जो है ना, शैतान भी डरता था आपसे और आप इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि आप जो है ना जिन्नात को भी हरा देते थे। किसको हरा देते थे? जिन्नात को। हाँ, कैसा ज़बरदस्त वाकया भी सुनने वाले हैं आप। जिन देखा है किसी ने? नहीं देखा, डर भी लगता होगा। जिन्नात की बात हो रही है तो डरने की बात नहीं है, जन्ना डरना नहीं है। देखे ना, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सुनेंगे, आपने जिन को हरा दिया कुश्ती में, क्या बात है। अच्छा जिन, जिन किसको पता है जिन कैसा होता है? ये तो मैं पूछ नहीं सकता, देखा नहीं है। जिन किस चीज़ से बना है? एक मिनट रुक जाए, आपसे पूछ थोड़ी ना अभी, किस चीज़ से बनाया गया जिन को, जिन्नात को? अब्दुर्राफ़े भाई जोर से, किससे? आन से। आन से कैसे? जी अब्दुर्रहमान भाई आपने तो सुन लिया होगा, बगदाद भाई ने इतनी ज़ोर से बोला है जी। किससे? जोर से, आग। आग से। जिन्नात किससे बनाए गए? आग। और इंसान? मिट्टी से। और फरिश्ते? नूर से। तो जिन्नात आग से बनाए गए, बड़े ताकतवर भी अपने होते हैं, अपनी जगह ताकत अपनी होती है। ऐसा नहीं आप बोले मैंने भी जिन से लड़ना है, लड़ना हमने किसी से नहीं है। ये ख़ास वाक़या हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अपनी शान है। और इस वाक़े को बयान किया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, ये एक साहबी रसूल हैं, इन्होंने इस वाक़े को बयान किया है। वो बताते कि एक मर्तबा एक सहाबी की एक जिन से लड़ाई हो गई, एक जिन से कुश्ती हो गई, यानी कुश्ती लड़ाई इस अंदाज से कि उनका जो है वो मुकाबला हुआ कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की एक जिन से मुलाकात हुई, दोनों में कुश्ती हुई, दोनों में कुश्ती। हाँ अब अच्छा, पहली दफ़ा कुश्ती हुई ना, कुश्ती समझते ना लड़ाई जो होती, कुश्ती हुई। तो पहली दफ़ा कुश्ती हुई, उन सहाबी ने उस जिन को पछाड़ दिया, उस जिन को पछाड़ दिया, वो ज़मीन पर और साहबी रसूल ऊपर, और वो जिन नीचे और आप ऊपर। अच्छा फिर आपने पूछा कि वो जिन फिर कहने लगा ना कि दोबारा होगी भाई लड़ाई, दोबारा से होगी, दोबारा से मुकाबला होगा। तो दोबारा से मुकाबला हुआ, आपने फिर उसको ज़मीन पर धाड़, दूसरी दफ़ा भी जिन हार गया, जिनको शिकस्त हो गई। अब वो सहाबी जो थे हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे, जैसा मैं बयान भी कर चुका। तो आपने पूछा कि ये तुम ही इतने कमज़ोर से जिनो, सारे ऐसे ही होते, क्या पूछा? तुम ही कमज़ोर से हो जो हार जाते हो हर बार, या सारे जिन जो है वो ऐसे ही कमज़ोर होते हैं, या तुम ज़्यादा कमज़ोर हो, बकिया ताकतवर हुआ करते हैं तो तुम बहुत कमज़ोर हो, कि सारे जिन्नात ऐसे ही होते हैं, या सिर्फ तुम ही कमज़ोर हो? तो वो कहने लगा अल्लाह पाक की कसम, मैं तो जिन्नात में काफ़ी मोटा ताज़ा हूँ, मैं तो जिन्नात में काफ़ी मोटा ताज़ा हूँ। और फिर भी फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो दफ़ा उसको ज़मीन पर दे मारा, पछाड़ दिया, क्योंकि फ़ारूक आज़म की शान बहुत बुलंद है, आप ज़ाहरी तौर पर भी बड़े ताकतवर थे, आप इस्लाम लाने से पहले जो है वो पहलवानी भी किया करते थे जो है, तो आप वैसे भी ताकतवर थे और फिर रूहानियत की तो आपकी क्या बात है? तो जिनको दो दफ़ा ज़मीन पर पटक दिया, फिर पूछा भी कि तुम ही कमज़ोर हो, सारे ऐसे ही होते हैं या तुम अलग कोई हो? तो कहा मैं तो बड़ा मोटा ताज़ा किस्म का जिन हूँ। अच्छा फिर वो कहता है चलो ऐसा करते एक बार फिर कुश्ती करके देखते। क्या करते हैं अब्दुल राफे भाई? फिर से कुश्ती। हाँ, अगर आप यूँ अपने हाथों से खेलते रहेंगे ना, इधर उधर देखते रहेंगे, तो उसके बाद जब कोई पूछेगा कि मेरा प्यारा दीन में क्या दे सीखा, तो आप यही बोलेंगे भूल गए। तवज्जो रखेंगे तो बात पता चलेगी ना। तो आप कितनी दफ़ा कुश्ती हो चुकी है ये बताएं? कितनी दफ़ा हुई है? देख लें, दो दफ़ा हुई है, तीन दफ़ा हुई है? वो कह रहे तीन, आप कह रहे दो। दो हुई है, तीन हुई है, दो हुई है, दोनों खेल में लगे हुए थे ना उधर, इसीलिए दो दफ़ा हुई है, तीन दफ़ा नहीं हुई। आप तीसरी दफ़ा के लिए बात आई है, मैंने कहा चलो एक और दफ़ा कुश्ती करते, एक दफ़ा और लड़ाई करते हैं। अब की बार भी अगर तुमने मुझे पछाड़ दिया तो मैं तुम्हें एक बहुत ही काम की बात बताऊंगा जो तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी। अब जिन ने एक और बात की, क्या बात की अफान भाई? कि अब की जिन ने बात ये की कि अब भी अगर आपने मुझे पछाड़ दिया, हरा दिया, तो मैं आपको एक बहुत काम की बात बताऊंगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत काम की बात आने वाली है कि बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो फिर कुश्ती हुई और इस बार भी क्या होना था? साहबी ने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पछाड़ दिया, हरा दिया। तो उस जन ने कहा कि मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या तुम्हें आयतुल कुर्सी आती है? यानी उनसे पूछा कि आयतुल कुर्सी आती है, आयतुल कुर्सी आती है? तो उन्होंने कहा जाहिर सी बात है आती है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया। तो वो जिन कहने लगा कि रात को अगर किसी घर में आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो शैतान जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि वो उस घर से दूर भाग जाएगा। जी, आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो क्या होगा? जिन शैतान घर में नहीं आएगा बल्कि दूर भाग जाएगा। और वो साहबी कौन थे? हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब बयान किया था तो आपने कहा था एक साहबी, नाम शुरू में बयान नहीं किया था, तो आपसे पूछा हो कि वो साहबी कौन थे? कहीं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म तो नहीं थे? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया उनके सिवा कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो रात में क्या पढ़ना है? आयतुल कुर्सी। और उसकी बरकत क्या होगी? शैतान घर में नहीं आएगा। इसी प्यारी सी बात के साथ चलते हैं सफ़ीउल्लाह भाई के पास। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन।